हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन विपीपीडिया सो माय नेम इज़ दीपाली कक्कड़ एंड आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ रही हूँ एक और इम्पोर्टेंट सेशन को लेके अंडर द अभ्यास 2.0 सीरीज तो ये सीरीज़ हमने स्पेशली स्टार्ट की है फॉर एच सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर राइट सो एच सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर जो है ठीक है इसमें बहुत आप जो है अगर अच्छे से मेहनत करेंगे अपने पिछले रिजल्ट अगर आप देखें ठीक है अगर आप अपना प्रिलिम्स मेन्स को अच्छे से एम्फोसिस करें तो आप जो है अपनी सीट को कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेज इंश्योर कर सकते हैं राइट सो हम इस सीरीज़ में पूरी अपनी जो है ठीक है जान लगा के मेहनत करेंगे सो so दैट इस बार एच हम जो है क्रैक करें राइट सो माई नेम इज़ दीपाली लखड़ एंड आई एम ब्रिंगिंग यू फॉर अनदर करंट अफेयर सेशन जो कि मोस्टली हमारे क्वेश्चन रहेंगे ये पी आई बी बेस्ड ठीक है सो so मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ठीक है मोस्टली एक दो को छोड़ के आपके पीआईबी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अक्टूबर के पीआईबीज़ को अभी हमने जो है कवर किया है लास्ट टाइम भी ठीक है इस बार भी तो काफ़ी ऑथेंटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एच एग्ज़ाम के हिसाब से ठीक है जिनको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है एंड अभ्यास 2.0 के बारे में इफ़ यू वांट टू नो मोर तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि आप कैसे अभिमन्यु के साथ जुड़ के अभ्यास 2.0 में एच के लिए अभ्यास करके अपनी जो पोस्ट है उसको टारगेट कर सकते हैं राइट सो अब हम सेशन की तरफ चलते हैं एम सी क्यू बेस्ड सेशन रहेगा हमारा ठीक है बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं हम एम सी क्यू फॉर्मेट में हरियाणा एच सी एस के लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी एग्जाम स्पेसिफिक पैटर्न में जो है इनको फॉलो करेंगे राइट एंड इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसके साथ हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ठीक है आपको ये नहीं करना है कि एम सी क्यू सेशन है तो सिर्फ आपने आंसर्स देख लिए वहाँ तक आपका काम बिल्कुल भी नहीं है राइट right? सो so, याद रखिए बच्चे कि आपको जो है उसके बाद की एक्सप्लेनेशन जो है ठीक है जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहेगी आपके लिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे में सिर्फ इतना ही पूछा जाए बट हम जो साथ में और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और जो उस न्यूज़ के रिगार्डिंग और जो उस करंट अफेयर के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो वो क्वेश्चन या वो टॉपिक कम्प्लीट नहीं होता है ठीक है सो so ये चीज़ें आपको क्या है ध्यान में रख के चलनी है तो चलिए अब सेशन शुरू करते हैं इसी सब चीज़ों को ध्यान में रख के फोकस कीजिए ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स was released बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड highways इन द अक्टूबर 2023 theek hai ठीक है सो so, रिसेंटली ही निकाली है ये रिपोर्ट ठीक है प्रोवाइडिंग डाटा एनालिसिस ऑन द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया इन 2022 ठीक है सो so, रिपोर्ट देखिए मैंने बोला है मैं और अपने सेशन में ये चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन को भी आपने क्या है बहुत ही ध्यान से देख के चलना है बिकॉज क्वेश्चन में भी हमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाता है एन सी क्यू सीरीज़ है तो सिर्फ ये नहीं कि आपको अटैम्प्ट करना है आपको रिविजन करनी है एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से सोच के प्रिपेयर कीजिए राइट सो फर्स्ट फैक्ट क्या मिलता है हमें विच ऑफ़ द फॉलोइंग ठीक है एक रिपोर्ट निकाली जाती है किसने निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने ठीक है जो कि किस चीज़ के ऊपर मैंशन करता है रोड एक्सीडेंट्स जो हुए हैं इंडिया में ठीक है इस चीज़ के ऊपर जो है हमें हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ठीक है तो इस रिपोर्ट का ठीक है क्या टाइटल था एनुअल रिपोर्ट ऑन द रोड्स एक्सीडेंट इन इंडिया ट्वेंटी रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू रोड एक्सीडेंट डाटा एंड एनालिस इंजरी प्रिवेंशन रिपोर्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है तो ये जो आपको रिपोर्ट है ना इसका टाइटल अब क्या है ये याद रखेंगे ठीक है जी रिपोर्ट निकाली कब है इन्होंने 2023 अक्टूबर में ठीक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है सो so, कन्फ्यूजन का पॉइंट क्या आ जाता है कि बच्चे सोचेंगे कि मे भी ये पिछले साल का करंट अफेयर है नहीं ये इसी साल का है ठीक है एक साल के बाद हमने क्या है प्रोसेसिंग की है तो क्या होता है हर एक स्टेट एंड यूटीज़ की ठीक है जो पुलिस फोर्स होती है उनसे ये डाटा कलेक्ट किया जाता है ठीक है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल जो एशिया पैसिफिक रीजन का है उनके फॉर्मेट के हिसाब से कैलेंडर ईयर के बेसिस पे ये डाटा हर एक स्टेट एंड यूटी की पुलिस से कलेक्ट किया जाता है अ सेकेंड ठीक है जी सो so, ये जो एनुअल रिपोर्ट है रिपोर्ट का टाइटल क्या हो गया रोड एक्सीडेंट्स इन द इंडिया 2022 ठीक है पब्लिश किसने की है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवेज राइट और ये डाटा जो है ये बेस्ड है जो भी पुलिस मैंने बोला है कि पुलिस डिपार्टमेंट में से सारा इन्फॉर्मेशन लिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ईयर एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन उन्होंने इसका फॉर्मेट दिया है कि ये डाटा आपको किस फॉर्मेट में कलेक्ट करना है उसी फॉर्मेट में ये जो डाटा है उसे कलेक्ट किया जाता है राइट right? अब ये रिपोर्ट में क्या बोला गया है सीधा सीधा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देर इज़ ए इंक्रीज़ राइट सो देर इज एन इंक्रीज़ ऑफ इलेवन पॉइंट नाइन परसेंट ट्वेल्व परसेंट अप्रॉक्स जो है एक्सीडेंट्स में इंक्रीज़ हुआ है नाइन परसेंट फर्टिलिटीज़ जो एक्सीडेंट के कारण जो डेथ हो रही हैं फिफ्टीन पॉइंट थर्ट थ्री परसेंट फिफ्टीन परसेंट इन द इंजरीज ठीक है अगर अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आए कि जो इंजरीज हैं डेथ हैं ठीक है, है कॉमन सेंस की बात है अगर कहीं पूछ भी लेना कि इनमें डिक्लाइन देखने को मिला है तो ये कहीं ना कहीं जो ऐसी स्टेटमेंट है आपको खारिज कर देनी है रीज़न देखिए इंडिया जो है कहीं ना कहीं हम डिवेल्प तो हो रहे हैं राइट right? बट हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है अब पॉपुलेशन तो बहुत फास्ट बढ़ रही है बट क्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी जल्दी डिवेल्प हो रहा है ठीक है ओवर अ पीरियड अभी हमारा डेवलपमेंट चल रहा है थोड़े टाइम तक हमारा बहुत अच्छा इंफ्रा हो जाएगा बट एट प्रेजेंट क्या है कि हमारे अगर हम देखें तो जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हो रही है पॉपुलेशन बढ़ रही है ठीक है ट्रैफिक बढ़ रहा है तो इन सब इंजरीज़ में फैटिलिटीज़ में रोड एक्सीडेंट्स में भी इंक्रीज़ देखा गया है ट्वेल्व परसेंट इंक्रीज़ इन द एक्सीडेंट्स नाइन परसेंट इन द फैटेटीज़ एंड फिफ्टीन परसेंट इन द इंजरीज राइट अब ये रिपोर्ट जो है किस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करती है कि अर्जेंसी है कि हमें जो ड्रंक एंड ड्राइविंग ओवर स्पीडिंग या रूल्स को फॉलो ना करना इन सबको ठीक है कि इन सबको इम्प्रूव करने के लिए जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लेने होंगे ठीक है एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है फोर ईज़ के ऊपर फोकस करता है ठीक है तो ये जो है आपकी कभी कभी आंसर एनरिचमेंट में ऐसी एग्जांपल्स हेल्प कर देती हैं तो इसीलिए सेशन को ध्यान से देखिए ठीक है फोर ईज़ की जो है बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जिससे कि हम अपने जो एक्सीडेंट हैं उनको कम कर सकते हैं तो ये फोर ईज़ कौन से हैं फर्स्ट इज एजुकेशन मतलब क्या है सबसे पहले तो रूल्स ठीक है जो भी रूल्स हैं रोड सेफ्टी की उनकी एजुकेशन होनी चाहिए ठीक है सेकंड क्या है इंजीनियरिंग अब इंजीनियरिंग किस चीज़ की व्हीकल्स की भी इंजीनियरिंग जो हो वो ऐसी हो कि वो सेफ हो एंड जो रोड्स हैं उनकी भी ठीक है सो दोनों की इंजीनियरिंग की बात करता है थर्ड ई कहता है इन्फोर्समेंट कि जो रूल्स हैं उनको इन्फोर्स किया जाए ठीक है जी एंड फोर्थ ई जो है वो डील करता है कि हमें इमरजेंसी ठीक है रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कराना है ठीक है तो फोर जो ईज है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है फोकस करता है फॉर द बेटर रोड सेफ्टी राइट right? सो so, ये रिपोर्ट है याद रखेंगे कि किसने निकाली है मेजर फाइंडिंग आपके सामने है एंड उसके साथ साथ एक फोर वाला कंसेप्ट भी हम याद रख सकते हैं जो हमारे एग्जाम्स में फर्दर मेंस में हमें हेल्प करेगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेट चलिए ठीक है right? जी सो so, अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सो सेकेंड क्वेश्चन जो है ठीक है ये एक इम्पॉर्टेंट मेला है ठीक है नेम से नेम है इसका एक मेला फेयर है ना एंड फेयर जो है हरियाणा के वो इम्पोर्टेंट है जिसको हम स्टैटिक हरियाणा जीके में भी कवर करेंगे ठीक है अभी ये करंट जीके का भी पार्ट तो बन ही रहा है हमारा बट हरियाणा स्पेसिफिक भी हो जाता है देखिए कैसे सो द सारस मेला एंड इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव राइट जो कि एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है टू सपोर्ट द लाइवलीहुड एनहांसमेंट एंड सपोर्ट इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज बाय ठीक है तो सारस मिल्ला की बात की गई है ठीक है जो कि दीनदयाल ठीक है उपाध्याय यो योजना है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ठीक है जिसके अंदर किस चीज़ को फोकस किया जाता है कि जो भी ठीक है जो भी इंडिया के रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं या डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है ठीक है या फिर कुछ बैकवर्ड लोग हैं जिनके पास क्या है कुछ टैलेंट है कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको क्या है इस योजना के अंडर स्पेसिफिकली सारस मेला के अंदर उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि वो जो है अपनी सेल्स कर सकें या फिर जो है अपना जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें से इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें ठीक है वन बाई वन देखते हैं पहले देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइज़ कौन करता है ठीक है सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर डी नॉन ऑफ दी अबव ठीक है सो सारस मेला जो है ये ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट राइट ए इज द करेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट राइट रिसेंटली ये जो एडिशन हुआ था सेकेंड एडिशन ये गुरुग्राम में हुआ था जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है राइट right? सो so ये सेकेंड एडिशन हुआ था सारस आजीविका मेला का इसको आजीविका मेला भी बोला जाता है ये गुरुग्राम में हुआ था इस जो मेला था इसमें जो है मेन फोकस दिया गया था ठीक है जी कि लखपति बनाने के ऊपर जो सेल्फ़ हेल्प ग्रुप वुमेन है उनको लखपति बनाने के लिए मतलब कि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो उनकी जो एक्टिविटीज़ वो स्मॉल एक्टिविटीज़ कर रही है उनका क्राफ्ट है ठीक है उनसे उनको इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उनसे बेनिफिट करने की बात की गई थी सो ओवर एट सेल्फ हेल्प वुमेन जो है ठीक है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो वुमेन्स हैं ठीक है वो कंट्री से यहाँ पर आई थी गुरुग्राम में हैंडी में हैंडलूम के प्रोडक्ट्स को अपने जो है शोकेस करने ठीक है साथ साथ अपने कल्चर को शोकेस करने एंड जो है कहीं ना कहीं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल के लिए राइट right? सो so, ये ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ रूरल रूरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट विद द द नेशनल इंस्टीट्यूट एंड पंचायती राज ठीक है ये याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ ही स्टेटमेंट की टाइप में आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायती राज ने ये जो सारस आजीविका मेला है इसको ऑर्गेनाइज किया था ठीक है अब ये जो इनिशिएटिव है ये किस स्कीम के अंदर लिया जाता है तो जैसे मैंने बताया दीनदयाल अंत्योदय योजना ठीक है जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ठीक है जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ही है इसके अंदर क्या है इसके अंदर टारगेट किया जाता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली वुमेंस हैं ठीक है थीके? उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि वो अपने स्किल्स को अपने प्रोडक्ट्स को अपने कल्चर को ठीक है वो शोकेस करें तो और उसके साथ साथ उनकी जो है एक मार्केट बने जहाँ पे वो अपने जो है सेल्स कर सकती हैं एंड सम हाउ अपने स्मॉल बिजनेस को बिग बिजनेस बना सकते हैं ठीक है सो so, सारस मेला बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही ईजी भी है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक नेशनल लेवल पे होने वाला इंपॉर्टेंट सारस अजीव का मेला है अंडर द uh, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर इसको किया जाता है ठीक है कहाँ पे हुआ था गुरुग्राम में हुआ था इस टाइम टारगेट किसको किया गया था स्पेसिफिकली जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए ठीक है किस किस ने कंडक्ट करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायती राज क्लियर है ये सब हमें याद करना है बहुत ईजी है है ना इसको थोड़ा थोड़ा करके हम याद करते रहेंगे सेशन में तो अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है जी थर्ड क्वेश्चन देखिए अब थर्ड क्वेश्चन जो है ठीक है ये क्वेश्चन है जी आई टैक्स के ऊपर ठीक है सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन करेक्ट ठीक है जी आई टैग जो है ये रिसेंटली दिए गए हैं अक्टूबर में ठीक है ये अक्टूबर के रिसेंटली दिए गए जी आई टैग हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो पूछा गया है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड ठीक है सो न्यू यूपीएससी पैटर्न को कहीं ना कहीं हमने फॉलो किया है एमसीक्यू में बट मेन चीज हमें क्या लेके जानी है सेशन में से जो हमें नॉलेज मिल रही है जो हम रिवाइज कर रहे हैं ठीक है तो उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है तो देखते हैं पेयर जो है फर्स्ट चदेरी नमक नमाकट्टी ठीक नमा नमा है नमाकट्टी चदेरी नमाकट्टी तमिलनाडु का है ठीक है प्रोडक्ट सेकेंड याक चुर्पी जो है वो लद्दाख का प्रोडक्ट है ठीक है थर्ड है खाताई जो है ये अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है क्या ये तीनों पेयर्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है ये बताना है ठीक है सो कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं मैथ द फॉलोइंग में हम मैच कर लेते हैं तो एक दो एलिमिनेट हो जाते हैं ठीक है सो so, इस तरह से भी हमें अपने क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करना है हम देख रहे हैं एच जो है कहीं ना कहीं यू के पैटर्न को ही फॉलो करते हुए चल रहा है राइट तो ये क्वेश्चन को भी हम उसी पैटर्न में कर रहे हैं ठीक है तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है ठीक है पहले मैं तीनों की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ सो दैट आप ट्राई करके देखिए कि क्या आपको पता चल रहा है कि कौन सा पेयर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट सो so, जदेरी नमक कट्टी जो है ठीक है ये एक क्ले है ठीक है फिंगर शेप्ड क्ले होती है चौक जैसे ही लगती है ज़्यादातर ठीक है और ये यूज़ की जाती है जो फोरहेड पर तिलक लगाते हैं ठीक है इवन एलिफेंट्स वगैरह के भी ठीक है तो जादेरी नमक कट्टी जो है एक क्ले है तो इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया एलिफेंट्स का और एलिफेंट्स जो है टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कौन सी कौन सी स्टेट में ज़्यादातर रखे जाते हैं ठीक है सो सेकेंड याक चुरपी ठीक है याक एनिमल का नेम है ठीक है याक चुरपी जो क्या होता है चुरपी शुरपी बोलते हैं इसे चुरपी शुरपी ठीक है शुरपी मींस चीज ठीक है जो लद्दाख या तिब्बतन रीजन ठीक है या फिर अरुणाचल प्रदेश तक का जो रीजन है ठीक है चुरपी को चीज़ बोलते हैं थोड़ा हार्ड चीज़ होता है ठीक है सो so, याक चुरपी जो है ये याक मिल्क होता है ना उसके जो मिल्क से चुरपी जो चीज़ बनता है फर्मेंटेड मिल्क जिसको बोलते हैं उसे याक चुरपी बोलते हैं तो क्या वो लद्दाख से है राइट right? थर्ड खा ताई ठीक है खा ताई जो हो है इसको खमती राइस भी बोलते हैं ठीक है तो ये क्या है एक खमती राइस है नॉन फॉरेस्ट डिस्टिंक्ट अरोमा ठीक है तो क्या ये अरुणाचल प्रदेश से है तो मैं आपको करेक्ट बताती हूं इनमें से हमारे करेक्ट पेयर हैं वन एंड थ्री ओनली ठीक है इनकरेक्ट कौन सा है सेकेंड याक चुर्पी जो है लद्दाख से नहीं है ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही प्रोडक्ट है राइट right? तो आंसर क्या हो गया इनकरेक्ट पेयर पूछे गए थे सो ओनली वन पेयर इज इनकरेक्ट ठीक है तो ये तीनों इंपॉर्टेंट जीआई आई टैग इनको दिए गए हैं ठीक है थीके? तो जीआई टैग्स के अंदर टेन इयर्स तक जो है इन प्रोडक्ट्स के ठीक है जीआई टैग दिए जाएंगे मतलब कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इस रीजन से ओरिजिनेट हुए हैं इनको मार्केट अच्छी मिलेगी इनको प्राइसेस अच्छे मिलेंगे एंड इंटरनेशनल कहीं ना कहीं नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकोगनीशन मिलेगी ठीक है तो डिस्टिंक्ट कल्चर को बचाने के लिए जीआई टैग भी दिए जाते हैं ठीक है जी तो ये तीन जो रिसेंट जी आई दिए गए थे इसके साथ और भी दिए गए थे उनको भी हम क्वेश्चन फॉर्मेट में आज सेशन में कर लेंगे राइट सबसे पहले देखिए जादेरी नमक कट्टी जो होता है क्या होती है क्ले स्टिक्स होती है वाइट इन कलर होती हैं ठीक है जनरली जो होती हैं फिंगर शेप मैंने सब बता दिया ठीक है एंड ये यूज़ की जाती है फोर हेड के ऊपर तिलक लगाने के लिए एंड जादेरी नाम कहाँ से मिला है ये एक विलेज है इन द तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु का जो एक विलेज है जादेरी वहीं से इस क्ले को जादेरी नमक कट्टु जो है वो नाम मिला है क्लियर सेकेंड देखिए अरुणाचल याक छुरपी तो छुरपी मैंने बता दिया क्या होता है एक मिल्क का चीज़ होता है एंड ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाली जो याक है ठीक है जिसको हम अरुणाचली याक भी बोलते हैं ठीक है एक ये ये रेयर ब्रीड है मतलब ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिलती है तो उस ब्रीड के मिल्क से जब फर्मेंट करके छुरपी चीज़ बनाया जाता है तो उसको जो है याक छुरपी बोलते हैं इसको भी जी टैग दिया गया है एंड ये जो है फर्स्ट ठीक है ऐसा मिल्क प्रोडक्ट है फ्रॉम द अरुणाचल जिसको एक जी टैग मिला है क्लियर नेक्स्ट देखिए खाओताई खमती राइस जिसको हम बोलते हैं ठीक है ये चूही स्टिकी राइस होते हैं ठीक है तो कभी कभी उनकी जो फीचर्स हैं वो भी स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं तो उसको देखना है ये चूई स्टिकी राइस होते हैं ठीक है जो कि नामसाई रीजन ठीक है अगेन नामसाई रीजन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं एक और जी टैग है ठीक है दैट इज़ द तांगसा ट्राइब का तांगसा टेक्सटाइल तांगसा टेक्सटाइल ऑफ द ट्राइब ऑफ द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश ठीक है तो ये जो टेक्सटाइल होते हैं काफ़ी एग्जॉटिक डिजाइंस काफ़ी यूनिक डिज़ाइन एंड कलर के लिए तांगसा टेक्सटाइल को भी रिसेंटली जी आई टैग दिया गया है सो फोर जी आई टैग जो हमें याद रखने हैं जदेरी नमक कट्टी तमिलनाडु राइट अगले तीन जो हैं तीनों ही अरुणाचल प्रदेश के हैं अरुणाचली याक छुर्पी विच इज़ अ चीज़ खाताई खामती राइस अगेन राइस कैटेगरी एंड तांगसा जो टेक्सटाइल ठीक है तो ये तीन जो है जी आई टैग अरुणाचल के हैं एंड जदेरी नामकट्टी जो है ये तमिलनाडु का है क्लियर है ये याद हो गया ठीक है जी साथ, साथ इसको पढ़ते हुए चलिए रिवाइज करते हुए चलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। right. है. Again, ये है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ठीक है अगेन ये क्वेश्चन क्यों हमारे लिए न्यूज में आया अक्टूबर में एक ऐसा फिर से इंटरनेशनल लेवल पे इंसिडेंट हुआ जिसके लिए इवेक्एशन के लिए इंडिया को क्या है अगेन इंडियन आर्म फोर्सेस को एक ऑपरेशन चलाना पड़ा तो जो कुछ ऑपरेशन रिसेंटली चलाए गए थे वो हमें दोबारा से रिवाइज करने का मौका मिलता है क्वेश्चन देखिए कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स राइट एंड ऑपरेशन का नेम दिया गया है एंड रीजन फॉर द इैक्शन

और उस ऑपरेशन के अंदर जो एयर फेयर्स थे ना वो जो है वो पैसेंजर्स ने ही पे करने थे ठीक है तो वंदे भारत था क्या जो कोविड नाइन्टीन वाला था ठीक है एंड थर्ड है ऑपरेशन अजय जो वो लगा है कन्फ्लिक्ट जो हुआ था उसके लिए इवेक्एशन के लिए फॉर द इंडियन सिटीजन जो है वो चलाया गया था राइट सो so इनमें से कौन सा पेयर क्या है करेक्ट करेक्ट इन करेक्ट बहुत ध्यान से आपने देखते हुए चलना है ठीक है सो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री या फिर नन राइट करेक्ट आंसर वुड बी बी ओनली टू ठीक है ना वन एंड टू जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है थर्ड क्यों इनकरेक्ट है थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि रिसेंटली क्या है इसराइल हमास जो कन्फ्लिक्ट हुआ है अक्टूबर में ठीक है उसमें से जब इंडियन सिटीजन को इवेक्ट करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो ऑपरेशन चलाया है उसको ऑपरेशन अजय बोला गया है ठीक है सो ये जो ऑपरेशन हैं इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे ही एग्जामिनर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे ठीक है हम हर एक क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं करते हैं बट हम क्या है प्रैक्टिस के ऊपर एम्फेसिस करते हैं ठीक है कोई भी नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएंगे बट प्रैक्टिस में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और इसी के लिए ये डेडिकेटेड अभ्यास 2.0 सीरीज जो है वो आपके लिए हम अभिमन्यु पे लेके आए हैं राइट सो so आंसर देखते हैं ऑपरेशन गंगा जो है ठीक है ये इवैक्यूएशन मिशन था जो कि जो स्टैंडर्ड इंडिया के जो वहाँ पे रह गए थे ठीक है ड्यूरिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन ठीक है सो जो सिटीजन्स थे देखिए उनको रोमानिया हंगरी पोलैंड मोलडोवा ठीक है तो जो भी यूक्रेन के नियरेस्ट कंट्रीज तक जो है पहुँचाया गया था और वहाँ से उनको इवेक्ुएट किया गया था राइट वंदे भारत मिशन जो है कोविड नाइन्टीन के टाइम पे जो भी इंडियन नेशनल हैं उनको फॉरेन लैंड से फॉरेन नेशन से वापस लाने के लिए था ऑपरेशन अजय जो अभी भी बोला जा रहा है कि अभी ऑन था अक्टूबर में रही इसराइल एंड हमास कन्फ्लिक जो वॉर शुरू हुई है उसमें से इंडियन सिटीजन को बचाने के लिए ठीक है तो ये सारे ऑपरेशन भी आपने याद रखने हैं आई होप दिखे आर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ है विच कंपनी हैज़ सक्सेसफुली कमेंस द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रेंस गैसोलिन एंड डीजल फ्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ठीक है सो ये ना रेफरेंस गैसोलिन एंड डीजल फ्यूज ये बहुत ही एक मैं बोलूँगी यूनिक टॉपिक यूनिक प्रोडक्ट है जो इंडिया ने पहली बार डिवेल्प किया है ठीक है सो रिसेंटली जो है ठीक है रेफ्रेंस गैसोलिन एंड डीजल फ्यूज ये हम इंडिया में क्या है ये बाहर से ही इम्पोर्ट किए जाते थे और कोई भी चीज़ अगर वो सोल्ली बाहर से आ रही है तो इंडिया को उसकी क्या है कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ेगी तो अंडर द आत्मनिर्भर मिशन आत्मनिर्भर भारत है ना हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है अपने इम्पोर्ट्स को आत्मनिर्भर भारत हम अपने इम्पोर्ट्स को जो है वो कम करें एंड जो है अपने नेशन में ही खुद से ठीक है आत्मनिर्भर हो जाए हम खुद से प्रोडक्शन करें जो चीज़ें हमारे पास नहीं है ठीक है तो एक कंपनी है ऑयल कंपनी है जिसने बहुत रिसर्च की है फॉर दिस रेफरेंस फ्यूल्स ठीक है एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अक्टूबर में इंडिया ने इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है अगेन लिंक्ड टू हरियाणा क्योंकि पानीपत रिफाइनरी में ही ये जो है प्रोडक्शन की जाएगी ठीक है तो देखिए ये करंट अफेयर हमारे हरियाणा से भी लिंक्ड है एंड वैसे भी आई वुड से कि पीआईबी को तो आपको बहुत ही क्या है जेनुअनली फॉलो करके चलना है उसमें से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको मिस मत कीजिए ठीक है so, सो कौन सी कंपनी है सबसे पहले उनकी बात करते हैं इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड राइट सो so, आंसर इसका क्या है जी आंसर है ए इंडियन ऑयल ठीक है इंडियन ऑयल वो कंपनी है जिसने रिसेंटली ये प्रोडक्शन स्टार्ट की है ऑफ द रेफरेंस गैसोलीन एंड द डीजल फ्यूल थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है सो रेफरेंस फ्यूल्स क्या होते हैं सबसे पहले ये एक प्रीमियम हाई वैल्यू के ठीक है प्रोडक्ट्स या फ्यूल्स होते हैं जो कि कैलिब्रेशन टेस्टिंग ठीक है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है ऑटो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में ठीक है उनमें यूज़ किया जाता है इन हाई एंड प्रीमियम फ्यूल्स को ठीक है ये हायर स्पेसिफिकेशन होती हैं ठीक है जनरल फ्यूल से क्या डिफरेंस होता है स्पेसिफिकेशन की ठीक है जैसे कि इनके ओक्टेन लेवल सेटेन में नंबर ठीक है फ्लैश पॉइंट विस्कोसिटी ये सारी साइंटिफिक टर्म है गुरविंदर मैम आपके लिए स्पेसिफिक सेशन्स लेती हैं उनमें ज़रूर ठीक है आई वुड टेल दम कि एक बार ज़रूर इन सब टर्म्स को समझा दीजिए ठीक है बाकी जो टर्म्स हैं वो बेसिक एनसीआर वाली आती है साइंस की ठीक है बट ये भी कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो बेसिकली क्या है कुछ हायर स्पेसिफिकेशन है और टेन नंबर से टेन नंबर ये सारे स्पेसिफ़िक होते हैं अगर इतने लेवल के होंगे तभी वो रेफरेंस फ्यूल्स बनते हैं ठीक है तो वाटर कंटेंट हाइड्रोजन प्योरिटी एसिड नंबर देखिए ये सभी स्पेसिफिकेशन जो होती हैं रेफरेंस फ्यूल्स में होती हैं इंडिया इनको क्या करता था इम्पोर्ट अब इम्पोर्ट क्या है हमने कम करना है आत्मनिर्भर भारत के अंदर तो इंडियन ऑयल ने जो है इनकी प्रोडक्शन जो है रेफरेंस फ्यूल की शुरू कर दी ठीक है सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको आपने अपने एग्जाम के लिए याद रखना है क्लियर है तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स क्वेश्चन है ठीक है अगेन इकोनॉमिक के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट एम सी क्यू आपके सामने है एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है देखिए सो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ठीक है इर्कॉन आई आर सी ओ एन एंड राइट्स ठीक है राइट्स लिमिटेड जो है ठीक है ये दो क्या है एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर मतलब बोला जा रहा है, कि किया गया है क्या ये दूसरी स्टेटमेंट नवरत सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है वो कन्फर कौन करता है कन्फर्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राइट सो दो स्टेटमेंट है आपको क्या बताना है विच आर द करेक्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड ठीक है क्या वन स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है टू करेक्ट है दोनों ही या फिर कोई भी नहीं ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है अक्टूबर में ही ये डेवलपमेंट हुई है इससे पहले इंडिया के पास फोर्टीन थे बट अक्टूबर ट्वेंटी में अब इंडिया के पास कितनी नवरत्न हो गई हैं सिक्सटीन ठीक है और स्टेटमेंट में क्या गलत कर सकता है एग्जामिनर जो नेम है एंटरप्राइज का वो चेंज कर सकते ठीक है बट इस स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है इरकॉन इंटरनेशनल एंड राइट्स लिमिटेड जो है इन दोनों को ही फिफ्टी एंड सिक्सटीन ठीक है इरकॉन को फिफ्टींथ नवरत्न स्टेटस मिला है राइट्स को सिक्सटीन ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही देती है तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है ठीक है ये जो नवरत्न स्टेटस है ये देती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक है सो आंसर क्या हो गया हमारा जी ए ए वन ओनली ठीक है वन ओनली जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपने इसको ध्यान में रखना है सो so, थोड़ी सी डिस्कशन एज आई टोल यू कि दो जो न्यू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इनको नवरत्न स्टेटस मिला है इरकॉन को फिफ्टीन राइट्स को सिक्सटीन ठीक है स्टेटस ए टी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनानंस क्लियर हो गया अब कुछ क्या है रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं नवरत्न स्टेटस के लिए उनको फटाफट देखिए क्या है फर्स्ट कि वो एक मिनी रतन ऑलरेडी होनी चाहिए ठीक है जो भी कंपनी है उसको मिनी रतन स्टेटस पहले ही मिला होना चाहिए वो शेड्यूल कंपनी होनी चाहिए ठीक है सेकेंड एक्सलेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेटिंग गुड वेरी गुड लेवल की तो होनी ही चाहिए ठीक है ये भी बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं बट ये ही जो स्टेटमेंट में आपको इन्हीं एलिजिबिलिटीज़ के ऊपर आ सकता है इनको ध्यान दीजिए ठीक है थर्ड क्या है कॉम्पोजिट स्कोर जो होता है ठीक है वो सिक्सटी होना चाहिए कॉम्पोजिट स्कोर ऑफ सिक्सटी इज द रिक्वायरमेंट कि एक मिनी रत्न को अब नवरत्न जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है ठीक है एंड फाइनेंशियल क्राइटीरिया जो है ठीक है फाइनेंशियल क्राइटेरिया वेल डिफाइंड है कि नेट प्रॉफिट जो है उनका फाइव थाउजेंड करोड़ होना चाहिए पिछले तीन सालों के अंदर राइट एनुअल टर्न ओवर पच्चीस हज़ार करोड़ होने चाहिए अगेन फॉर द थ्री ईयर्स एंड एनुअल नेटवर्थ जो है वो पंद्रह हज़ार करोड़ से ऊपर होनी चाहिए तीन सालों के अंदर ठीक है तो ये जो क्राइटीरियाज़ है चार क्राइटीरियाज ठीक है एंड फोर्थ फाइनेंशियल को हमने साथ में देख लिया क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है एग्जामिनर एक छोटी सी फिगर को चेंज करके आपको कन्फ्यूज कर सकता है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्राइटेरिया चाहे नहीं है बट आपको पता होने चाहिए ठीक है इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं नव रत्न मिनि रत्न ठीक है नवरतन, और साथ ही साथ देख लीजिए अब इंडिया की बाकी सारी 16 की 16 जो नवरत्न कंपनीज हैं उनके एक बार आपको नाम देख लेने हैं किसी भी स्टेटमेंट में इनको यूज़ किया जा सकता है क्लियर हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आपने याद रखनी है एंड अगेन स्टेटस किसने कन्फर्म किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है सो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय तो अक्टूबर में ही ये रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक ये रिपोर्ट इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करती है कि जो माइग्रेशन हो रही है वर्ल्ड वाइड कहाँ कौन से नेशन से हो रही है कौन से नेशंस में पहुंच रहे हैं वो माइग्रेंट हो गए ठीक है तो इस सब रिपोर्ट में हाईलाइट किया जाता है एंड इंपॉर्टेंट क्या है कि ओ जो कंट्रीज़ हैं ठीक है, है? उनमें क्या डेवलपमेंट देखी गई है कि पहले जो है चाइना से सबसे ज़्यादा जो है इमिग्रेंट्स आते थे बट अब क्या हुआ है इंडिया ने इसको सरपास कर दिया है मीन्स इंडिया से अब सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो जाते हैं टू द ओ ई सी डी कंट्रीज एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग फॉर अस जिसको हमें याद रखना है ठीक है अब ये रिपोर्ट निकालता कौन है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गनाइजर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट ठीक है सो यही जो मेन फाइंडिंग है इससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि रिपोर्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा ही निकाली गई थी रिपोर्ट क्या है हमारी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 ठीक है अक्टूबर में ही ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी ठीक है सो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि माइग्रेशन जो है मुझे ओ कंट्रीज में है वो अब रिकॉर्ड लेवल्स में मतलब बढ़ती जा रही है देखिए सिक्स मिलियन न्यू परमानेंट इमिग्रेंट जो है ट्वेंटी में उनमें आए थे ठीक है सो हाई लेवल पे काफी इमिग्रेंट जो है वहाँ पे पहुंच रहे हैं इन द सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ स्टाइल बेटर जॉब राइट वी ऑल नो सो ओ की थोड़ी सी अब देख लेते हैं ये क्या है एक इंटर गवर्नमेंटल uh, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है जो इस्टेब्लिश की गई थी 1961 में ठीक है सो ये चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन क्यों 1961 में की गई थी ठीक है कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल रखने के लिए उसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के लिए जो ओ है इसको डिवेल्प किया गया था थर्टी इसमें जो है कंट्रीज पार्टिसिपेंट हैं क्योंकि ये गवर्नमेंटल है तो उन कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेशन शो करती हैं राइट इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्लियर है ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद में रखनी है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को देखता है सोल्यूशन देखता है इकोनॉमिक चैलेंज के एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर द इकोनॉमिक डिवेलपमेंट विद द सस्टेनेबिलिटी जो है उनको डिवेल्प करता है ठीक है रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिलीज बाय द ओ क्लियर है ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसको भी आपने ज़रूर एग्जाम के लिए देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और एक्स्टली मुझे ऐसा लगता है कि इनसे हमें प्रैक्टिस करने का ज़्यादा मौका मिलता है कुछ ज़्यादा फैक्ट्स पता चलते हैं ठीक है और एग्जाम स्पेसिफिक भी रहती है प्रिपरेशन आप देखिए एच में हमारे कितने स्टेटमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आते हैं ठीक है तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते हुए ही चलनी है ठीक है क्वेश्चन देखिए अब फिफ्थ एनुअल रिपोर्ट इज बिंग ब्रॉट आउट बाय द एन एस एस ओ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्टेड ड्यूरिंग द जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है तो बोला गया है कि जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आता है ठीक है इसकी फिफ्थ एनुअल रिपोर्ट निकाली गई है बेस्ड ऑन द जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री डाटा क्लियर है स्टेटमेंट द परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन विद इन द टोटल लेबर फोर्स हु आर इजर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग द एम्प्लॉयमेंट आर कॉल्ड द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एल एफ पी आर इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दो चीज़ों की बात की गई है एक की रिपोर्ट जो है वो कौन से नंबर की है कौन से डाटा के ऊपर बेस्ड है एंड एक टर्म ठीक है तो तीन चीज़ें इसमें से हमें पता चलेंगी ठीक है देखिए पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट कोड ठीक है तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मैं बताती हूँ आपको छोटी सी चीज को चेंज करके आपकी पूरी स्टेटमेंट इसमें गलत हो गई है दैट इज द फिफ्थ तो ये सिक्स एनुअल रिपोर्ट है जो निकाली गई है एंड इट इज डिलेड डिले क्यों हो गई है कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के कारण ठीक है सो सिक्स एनुअल रिपोर्ट जो है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जो है ये निकाली गई है जुलाई 2022 से जून 2023 के डाटा को देखते हुए रिलीज किसने की है एन एस ने ठीक है यही स्टेटमेंट से आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल गया ठीक है सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी जी इन करें सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रही है कि द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन ठीक है विद इन द टोटल लेबर फोर्स ठीक है हु आर इधर एम्प्लॉयड एक्टिवली सीकिंग द एम्प्लॉयमेंट ठीक है तो ये भी क्या है गलत हो गई टोटल लेबर फोर्स नहीं पॉपुलेशन में से जो भी ठीक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाती है तो यह बोलता है कि टोटल पॉपुलेशन में से जो भी लोग एलिजिबल हैं वर्क करना चाहते हैं या एम्प्लॉयड हैं ठीक है तो पॉपुलेशन वर्ड तो ऐसी छोटी छोटी टर्म्स को गलत करके आपकी स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट हो गई सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट आंसर इज डी ठीक है तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है अगेन अक्टूबर में रिलीज हुई है तो इस रिपोर्ट को आपने ज़रूर जिसकी फाइंडिंग्स को अच्छे से देखना है ठीक है सो कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द अवेलेबिलिटी बोला गया है कि जो लेबर मार्केट का डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी इम्पॉर्टेंस को देखते हुए 2017 से नेशनल सैंपल नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जो है पी एल एफ एस दैट इज़ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है निकालने शुरू किए अब एन एस एस ओ वर्क किसके अंडर करता है मोस्टली ठीक है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ठीक है ये भी किसी भी स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे ठीक है सो ये जो पी एल एफ एस है ये लॉन्च किया गया था अभी तक जो है पाँच आ चुके थे एंड अभी जो रिसेंटली लॉन्च की गई है ये सिक्स फाइव एनुअल रिपोर्ट जो है वो अभी तक 2017 से आ गई आ, से आ गई थी अब ये सिक्स्थ एनुअल रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है ठीक है और इसमें एक बहुत ही अच्छी फाइंडिंग ठीक है यूनिक बोलेंगे अच्छी नहीं बोलूँगी मैं यूनिक ठीक है वो क्या है कि अगर वुमेन पार्टिसिपेशन की बात की जाए ठीक है तो जहाँ रूरल एरियाज़ में जिसको हम बोलते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रोक्सीमेटली थर्टी सिक्स परसेंट वुमेन पार्टिसिपेशन देखी जाती है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहीं अर्बन एरियाज़ में भी कम हो जाती है एंड इट इज़ ओनली ट्वेंटी सिक्स परसेंट ठीक है और भी काफ़ी वुमेन स्पेसिफिक इसमें भी जो आ, हम बोलते हैं फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में थी काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक सेशन में जो इसकी फाइंडिंग्स है शॉर्ट सेशन रख के ज़रूर डिस्कस करेंगे ठीक है सो दूसरी बात दूसरी टर्म को देख लेते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो ये क्या है डिफाइंड एज द ठीक है परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स ठीक है लेबर फोर्स में जो पर्सन हैं ठीक है uh, चाहे वो वर्क कर रहे हैं काम देख रहे हैं या फिर अवेलेबल हैं ठीक है इन रिगार्ड टू टोटल पॉपुलेशन सो लेबर फोर्स में जितने भी लोग हैं एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन उसको हम क्या बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ठीक है कन्फ्यूज मत होना है ये इसकी जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन निकल के आती है क्लियर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है ठीक है फाइव जी फाइव जी में अभी फ्र, फ्री ओ जियो जियो जो है वो फ्री दे रहा है फाइव जी है ना पहले उसने आपको इंटरनेट की हमें जो है बिड लगा दी अब फाइव जी की लगा देगा फिर हम उसे पे करके भी जो है अवेल करना चाहेंगे क्योंकि हैबिट्स बन जाती हैं ठीक so है सो फाइव जी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिसेंट uh, डेवलपमेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन देखते हैं अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइव जी फाइव जी इज एक्सपेक्टेड टू बी अप टू हंड्रेड टाइम्स फास्टर दैन फोर जी ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट इट विल हैव अ लोअर लेटेंसी दैन द फोर जी लेटेंसी मतलब कि द टाइम पीरियड जितने वो मैसेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके पहुंचेगा ठीक है फिफ्थ 5G जी विल बी एबल टू सपोर्ट मोर कनेक्टेड डिवाइसेस दैन 4G ठीक है तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि जो डिवाइसेस हैं वो भी उनका कनेक्शन नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू तो 5G नेटवर्क वो बढ़ जाए एज कम्पेयर टू 4G ठीक है सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री या फिर डी नन सो करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी सी ऑल ऑफ द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक है सो फाइव जी जो है बोला जा रहा है कि इसमें ठीक है स्पीड परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी सब जो है ज़्यादा होगी 4G से ओवर 100 टाइम्स फास्टर स्पीड रहेगी ठीक है लोअर लेटेंसी रहेगी ठीक है एंड जो डिसाइ uh, हैं वो ज़्यादा होंगे क्योंकि इसका जो मैकेजम है उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है डिवाइसिस को ठीक है सिंपल है एंड इंडिया में एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने रूरल एरियाज़ तक रूरल एरियाज तक जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक फाइव जी को लेके जाएंगे ठीक है बट अभी इसका रोल आउट चल रहा है कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में से ये शुरू हुआ है है ना सो so, जो 5G जी डेवलपमेंट है इसके ऊपर भी आपको इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूज़ आती है या बेसिक्स ऑफ 5G जो है आपको क्लियर होने चाहिए क्लियर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ है हमारा अगेन अ बेस्ड ऑन द जी आई टैग ठीक है सो मैंने पहले ही कहा था कि जी आई टैग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और और भी जो हमारे जी आई टैग न्यूज़ में थे उनको हम डिस्कस करेंगे ठीक so, है तो ये सेकेंड क्वेश्चन है जी आई टैग का राइट क्वेश्चन देखिए कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच ठीक है सो कितने मैच हैं तुक्का नहीं लगाना है हमें ठीक है क्वेश्चन सीरीज जो हम लेके आए हैं इसमें प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में अच्छे से हम अटेम्प्ट कर पाए राइट देखते हैं फर्स्ट है भसोली पश्मीना, ठीक है सोली पश्मीना, जम्मू एंड कश्मीर ठीक है सेकेंड कलारी कुजीन गुजरात एंड खरी uh, कारी इशद मैंगो फ्रॉम द बिहार ठीक है तो तीन प्रोडक्ट्स के स्टेट के साथ आपको मैच करना है कि कौन कितने पेयर्स करेक्ट हैं ठीक है वन टू थ्री या फिर नाइन सो आई वुड से आंसर इज वन ओनली ठीक है सिर्फ एक ही करेक्ट है सिर्फ फर्स्ट पेयर जो कि पश्मीना है बसोली पश्मीना जो है ठीक है वो करेक्ट है ठीक है दूसरा क्यों गलत है कलारी क्वज़ीन अगेन ये जम्मू एंड जो कश्मीर है ठीक है उसमें डोगरा स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है उनका एक स्पेसिफिक क्वज़ीन है ये भी एक मिल्क बेस्ड फर्मेंटेड प्रोडक्ट है ठीक है मिल्क चीज़ ही बोल सकते हैं आप इसको भी ठीक है तो कलारी कुजीन जो है ये भी एक चीज़ प्रोडक्ट है एंड जो कारी ईशद मैंगो है ये भी बिहार का प्रोडक्ट नहीं है ठीक है सो इन प्रोडक्ट्स को भी साथ साथ थोड़ा सा देख लेते हैं फर्स्ट जो पश्मीना है ये ऊधमपुर की सॉरी ऊधमपुर का कलारी है ठीक है सो जो पश्मीना है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पश्मीना वैरायटी ऑफ वूल है ठीक है जो चांगथांग एंड जो पश्मीना गोड्स होती हैं ठीक है उनसे ये मिलती है वूल ठीक है तो चांगथांग रीजन स्पेसिफिकली फेमस है जम्मू एंड कश्मीर का एंड ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में से मिलने वाली जो पश्मीना है जो काफ़ी लाइट होती है सॉफ्ट होती है फिनिश इसका वर्क होता है ठीक है सो उसके लिए बसोली पश्मीना जो है इसको जीआई टैग दिया गया है कहाँ का प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर कलारी कुजीन कौन कौन सा है ये डोगरा स्पेसिफिक जो लोग हैं ठीक है थीके? उनका एक फेमस कुजीन है उधमपुर जो रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का वहाँ का ये फेमस क्वजीन है कलारी क्वीन ठीक है एज अ यू इट इज ऑल्सो अ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट एंड जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है दैट इज द कार्यशद मैंगो ठीक का है थीके? ये कर्नाटका का प्रोडक्ट ठीक है ये कर्नाटका का मैंगो है ठीक है प्रोमनेंटली ग्रोन इन द अंकोला तालुक ऑफ द उत्तर कन्नड़ा ठीक है अंकोला तालुक जो है कर्नाटका में है ठीक है तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है क्लियर है ये भी अक्टूबर में मिलने वाले जीआई टैग थे जी टैग को आपने ज़रूर जरूर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डेवलपमेंट को आई वुड से एक चार्ट बना के लिखते चलिए जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेट है और उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्लियर सो so, ये भी हमने देख लिए एंड उसके साथ साथ एज आई टोल्ड यू कि मैं एच एस के आपको 75 फाइव डे प्रिलिम फोकस बैच के बारे so, में बताऊंगी ठीक है सो इसमें आपको क्या मिल जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन ठीक है मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप वन सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं सो दिस बैच इज़ दैट सोल्यूशन दिस फास्ट ट्रैक बैच द सेवेंटी फाइव डे चैलेंज बैच आप इसको बोल सकते हैं ये आपका सोल्यूशन है फॉर द एच सी एस जिसमें आपको लाइव क्लासेज मिल जाएंगी ठीक है लाइव रहेंगी ऑनलाइन भी आप लगा सकते हैं ऑफलाइन भी होगी ठीक है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्योंकि सभी जो हैं ठीक है काफ़ी वर्किंग स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए थर्ड इम्पॉर्टेंट थेंगे सी सैट क्लासेज ठीक है सी सैट को इग्नोर नहीं करना है क्वालिफाइंग है अब क्वालीफाइंग एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो सी सी एड क्लासेस रहेंगी रिविजन क्लासेज रहेंगी टेस्ट सीरीज रहेंगी प्रिपरेशन को अपनी जो है एनालाइज़ करने के लिए एंड मेंटरशिप भी मिलेगी ठीक है सो so ये जो बैच है आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं एंड सेवेंटी फाइव डे एच सी एस फोकस बैच जो है इसको आपने ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ठीक है लिंक के साथ जो है आप कोर्स के रिगार्डिंग सभी डाउट्स हमारे साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं एंड अगर एच को पार करना है तो अभ्यास 2.0 जो है इससे आपको बहुत जो है हेल्प मिलेगी ठीक है सो so ये बैच आपको सिर्फ 35,000 में मिल जाएगा एंड फॉर मोर डिटेल्स आई इट सेट कि आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स आपको जो है लिंक से मिल जाएंगी राइट सो आई होप कि आज का ये जो सेशन uh, रहा हमारा करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट था ठीक है एंड आपने इसमें से इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स ली एंड आई एम टेलिंग यू इंपॉर्टेंट था कि बेस्ड जो इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स निकल के आते हैं हमने कवर किए हैं अक्टूबर के ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में भी हम अपने कवर करेंगे सो so, अभिमन्यु, आई के साथ जुड़े रहिए एच की प्रिपरेशन के लिए एंड थैंक यू सो मच अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड कीप लर्निंग